हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप दूसरे की कॉल डिटेल कैसे निकाल सकते हैं। आपने लगातार बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से आप दूसरे की कॉल डिटेल निकाल सकते हैं, मगर उसमें कोई भी तरीका काम नहीं करता है। मगर इस वीडियो में आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप दूसरे की कॉल डिटेल निकाल सकते हो। कैसे निकालना है इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। बस आपको क्या करना है, इतनी सी शर्त है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ज़रा से भी स्किप करेंगे तो आप वो स्टेप मिस कर जाएंगे जिसमें आप कॉल डिटेल निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट आपको बता दे। साइड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर पर। ठीक है, जैसे आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है E2PDF। ठीक है, E2PDF इसको आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इस तरीके इस एप्लीकेशन का इस तरीके इंटरफेस रहेगा। आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके इसको ओपन कर लेना है। मैंने पहले से यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है। अब यहाँ पास आएगा इस तरीके आपके सामने इंटरफेस, आपको यहाँ आएगा, देखिए आई हैव ऑप्शन, एक टिक का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पास प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले जो यहाँ पर दिख रहा है ना PDF बैकअप, इस पर आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, क्लिक टू कंटिन्यू लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पास आएगा जनरल कॉल लॉग। ठीक है, तो आपको जनरल कॉल लॉग पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पास देखिए कॉल लॉग डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पास आ रहा है, देखिए डेट आ रही है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप डेट चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कितने साल की निकालना है, कितने महीने की निकालना है, कितने मतलब दिन की निकालना है, यहाँ सब आप क्लिक करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर मतलब डेट चेंज करके, तो मैं अभी डेट चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पास आएगा इंटर आउटपुट, यहाँ पास आपको कोई भी PDF का नाम दे देना है। ठीक है, PDF फॉर्मेट में आपका निकलेगा, ये जो कॉल डिटेल है PDF फॉर्मेट में निकलेगा। तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको PDF का कोई भी नाम दे देना है, जैसे मैंने अपना नाम दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर आएगा एक्सपोर्ट टू PDF, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, अलाउ पे आप क्लिक करेंगे, फिर अलाउ पे क्लिक करेंगे, फिर अलाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लीज़ वेट के लिए आ रहा है, तो आपको प्लीज़ वेट थोड़ी देर मतलब रुक जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, अभी देखिए थोड़ी देर हमें वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं PDF फॉर्मेट में यहाँ पर पूरी डिटेल्स आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी टाइम बात हुई, नाम आ जाएगा, कितनी टाइम बात हुई, कितने बजे मतलब बात ख़त्म हुई है, सब यहाँ पर आ जाएगा। रिसीव हुआ था कि मिस कॉल आई थी, सब यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन टाइप सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो, ऊपर शेयर का ऑप्शन है, आप शेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किस तरीके आप कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसके मोबाइल में निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप किसी के मोबाइल में निकालेंगे तभी आप किसी की कॉल डिटेल निकाल पाएंगे, अपने मोबाइल में आप नहीं निकाल पाएंगे। ये ऐसा कुछ नहीं ना कि आप अपने मोबाइल में निकाल पाए। ठीक है, आप उसके मोबाइल लेकर उसकी मतलब कॉल डिटेल निकाल सकते हैं कि उस किस किस टाइम बात कर सकती है, मगर आप ये ना सोचिएगा कि आप खुद के मोबाइल में उसकी कॉल डिटेल, किसी और की कॉल डिटेल निकाल सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसके मोबाइल में भाई जितनी बात हुई है, जितना कॉन्टैक्ट है, सब उसी के मोबाइल में आएगा, आपके मोबाइल में कुछ नहीं आएगा। उसके मोबाइल में आप निकाल सकते हैं कॉल डिटेल। तो इस तरीके से आप दूसरे की कॉल डिटेल निकाल सकते हैं, जैसे हमने आपको वीडियो में बताया। तो नीचे कमेंट बताएंगे जरूर कैसे लगी वीडियो, अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक दे देगा, अपने साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल नॉट उसको प्रेस कर लीजिए, उससे होगा कि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।